गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बॉडी पॉलिशिंग करने का बहुत आसान और बहुत बढ़िया रेमेडी शेयर करूंगी, जो बहुत ही इजी होगा। सिर्फ दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपका घर पे आराम से बॉडी पॉलिशिंग बन करके तैयार हो जाएगी। जी हाँ, आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, मुश्किल से 50 या 100 रुपये के अंदर आपका बॉडी पॉलिशिंग तैयार हो जाएगी। जी हाँ, मैं आपको मैक्सिमम बता दूँ कि 100 रुपये बहुत लगेंगे, तो 100 रुपये आपके खर्च होंगे, इससे आपके पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं होंगे। और सबसे खास बात ये कि अगर आप मार्केट में बॉडी पॉलिशिंग कराने जाते हो तो बॉडी पॉलिशिंग के नाम पर से कम अगर आपकी बात करूँ तो 5,000 रुपये आपको लेते हैं जी, तो इतना रेट होता है। लेकिन घर पे अगर आप बॉडी पॉलिशिंग करते हो तो उसी के मार्केट के टक्कर का परफेक्ट मिलेगा। लेकिन प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपये ही खर्च होंगे, वो भी मैं आप मैक्सिमम की बात करूँ। जी हाँ, तो बात करूँ बॉडी पॉलिशिंग की, तो बॉडी पॉलिशिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बॉडी पॉलिशिंग तो आजकल सब ब्राइड मेरे हाल से कराती ही है, क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग में क्या होता है, उससे हमारा जो पूरी बॉडी होती है वो ग्लो करती है। अब मैं आपको बता दूँ जो नहीं जानते बॉडी पॉलिशिंग में होता है क्या एक्चुअली, तो बॉडी पॉलिशिंग में सिर्फ दो स्टेप होते हैं। एक स्क्रबिंग की जाती है और उसके फेस मास्क लगाया जाता है। तो स्क्रबिंग करने के लिए आपको क्या है, बहुत ही जेंटल हाथों से आपके यहाँ बॉडी की स्क्रब की जाती है। उससे क्या होता है, डेड सेल रिमूव हो जाते हैं, आपके जो बॉडी का जो एक्चुअल जो टेक्सचर होता है वो निखर करके आता है, रंग आपका निखरता है। और जो उसके बाद जो मास्क लगाया जाता है वो अमेजिंग होता है, उसको लगाने से आपकी बॉडी का जो कलर होता है वो निखरता है, आपके जो टैनिंग होगी रहती है वो रिमूव हो जाती है बिल्कुल, आपके जो उसके साथ ही आपकी जो पूरी बॉडी रहती है वो रिलैक्स फील करती है। तो मेरे ख्याल से बॉडी पॉलिशिंग बहुत ही अच्छा है, आपको बिल्कुल करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आइए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बॉडी स्क्रब बनाएंगे। बॉडी स्क्रब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बेसन। जी हाँ, हम सबसे पहले बेसन लेंगे। बेसन हम 1 चम्मच के करीब लेंगे। अब इतनी ही क्वांटिटी में हम मसूर की दाल का पाउडर लेंगे। जी, इसमें 1 चम्मच के करीब जैसे मैंने बताया मसूर की दाल का पाउडर लेंगे। अब तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर मैं यहाँ पे लाल चंदन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपको लाल नहीं मिलता तो आप सफ़ेद ले सकते हैं। जी हाँ, इसे हम 1/2 चम्मच के करीब लेंगे। उसके बाद जो हम चौथी चीज़ ऐड करेंगे वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा लेना है, करीब 1/4 चम्मच के बराबर इतना हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें जो चौथी और आखिरी चीज जो ऐड करेंगे वो है दूध। दूध हम इतना लेंगे कि जिसमें हमारा ये गाढ़ा सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। दूध मैं यहाँ पे मलाई वाला दूध यूज कर रही हूँ, फुल फैट क्रीम। जी हाँ, इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो दोस्तों बॉडी स्क्रब हमारा बन करके तैयार हो गया, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बॉडी मास्क बनाने के लिए बॉडी पॉलिशिंग का जो स्टेप है हमारा अगला स्टेप है बॉडी मास्क का। तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो आपको 1 by 1 बता दूं। जी हाँ, तो सबसे पहले हमने ले रहे हैं मूंग की दाल। जी हाँ, अगर आप छिलके की मूंग की दाल लेते हो तो बेस्ट है, नहीं मिलती तो मेरे तरफ ये धुली हुई मूंग की दाल जिसे बोलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, अरे नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हमारा होगा वो है चावल का आटा। जी हाँ, मैंने इसे घर पर ही बनाया है, चावल को धो लिया था, उसके बाद उसका फाइन बारीक मिक्सर में पीस लिया है। तीसरी चीज़ जो है वो है रोज पेटल, इसे भी आप घर पे ही सुखा करके बना सकते हैं। चौथी चीज़ है चिरौंजी, पांचवी बेसन है, छठी है मसूर की दाल, और सातवीं चीज़ जो मैं यहाँ पे यूज़ करी वो है बादाम। जी हाँ, अब आपको इसको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मिक्सर का एक जार लेना है। जी हाँ, क्योंकि मिक्सर में हम ब्लेंड करेंगे और मिक्सर का जो जार होना चाहिए वो बिल्कुल इस तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको एक जार लेना है, उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे 1 by 1। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्वांटिटी की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए सब बताया है, लेकिन आपको चावल का आटा और जो बेसन है दोनों की क्वांटिटी जो है वो 1-1 चम्मच के करीब रखनी है। मूंग की दाल और मसूर की दाल जो है उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें लेंगे बेसन। बेसन हम 1 चम्मच के करीब लेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया क्वांटिटी हमें इस सबके दुगनी रखनी है। तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन लेंगे। सेम इसी क्वांटिटी में हम चावल का आटा भी लेंगे। चावल का आटा भी हम सेम जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से हम इसमें लेंगे। जी हाँ, चावल का आटा जैसे मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया है बादाम, बादाम जो है वो 4 बादाम मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें रोज पेटल डालेंगे, रोज पेटल मैंने जितनी है इसे मैं पूरा ऐड करूँगी। जी हाँ, बात करते हैं चिरौंजी की। तो चिरौंजी आपको जैसे 2 चम्मच के करीब
मैंने ये बेसन एंड चावल का जो आटा था इन दोनों को 2 चम्मच के करीब लिया। तो हम जो यहाँ पे अपनी जी हाँ चिरौंजी हम इसमें 1 चम्मच के करीब ऐड कर रहे हैं। अब हम अपनी दालें ऐड करेंगे। तो दाल जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटिटी में इसकी ज़्यादा रखनी है। उस जैसे हम बेसन हमने ऐड किया था 2-2 चम्मच के करीब, तो हम इसको ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब। 1 चम्मच हम ऐड कर चुके हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें और ऐड किया। इसी तरीके से हम इसमें 1-2 चम्मच और ऐड करेंगे। जी हाँ, ये 4th चम्मच था। अब आखिरी चीज़ जो मैंने इसमें बताया था ये है मसूर की दाल, कि दाल भी हम इसमें ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी में 4 चम्मच के करीब। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर हमें बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है और कितना बारीक पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है, पाउडर बारीक पाउडर बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसे एक कंटेनर में खाली कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको जो अपना बॉडीज का बनाना है बताया है, अब इसे आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ब्रश को इसमें डिप करूँगी और इस तरीके से हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे हाथ पे बता रही हूँ आपको, सेम इसी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है। अपने पूरे हाथों में लगाएंगे इसे। तो आप देख सकते हैं मैंने इतने पूरे हाथों में से लगा लिया है। अब हम इसे लगा करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनटों के लिए। उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया, कितना ज़्यादा इफेक्ट आया है, बिल्कुल साफ लग रहा है। इधर का हाथ आप मेरा देख सकते हो और इधर का देख सकते हैं, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जी हाँ, जबकि सिर्फ मैंने स्क्रबिंग की है और मैं कोई भी आपके सामने मैंने लगाया, कोई झूठ नहीं बोली या कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल। अभी आप देख भी सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल ढीले हैं क्योंकि मैंने इसे पोंछा भी नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बॉडी मास्क जो मैंने बनाना बताया आपको इस तरीके से उसे एक बोल में लेना है, जितना आपको यूज़ करना हो उतना क्वांटिटी में। फिर इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जब भी आप लगाने जा रहे हो तो आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करना है और थोड़ा सा दूध डाल करके इसका पेस्ट बनाना है, फिर आप इसे लगाना है। आप इस तरीके से इसे जैसे मैंने बताया था इसे स्टोर कर लेंगे और फिर हम इसमें दूध डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। जी दूध मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब दूध लिया है। हमें इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है, पतला नहीं बनाना। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध मैंने यहाँ पे मलाई वाला दूध यूज़ किया है, आपको भी ऐसे ही गाढ़े दूध का इस्तेमाल करना है इसे बनाने के लिए, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपको आप चाहे अपने हाथों से लगा सकते हैं या ब्रश से, मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। आप चाहे तो इसे पूरे अपने बॉडी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बॉडी पॉलिशिंग है। तो आप जिस तरीके से मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ आप अपने पूरे हाथों पे अपने फुल बॉडी पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। बात करूँ उसकी खूबियों के बारे में, तो मैंने इसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं जो आपने देखी हैं और आप उसे इसी तरीके से बनाना है। तो खूबियों के बारे में बात करूँ तो मैंने इसे मसूर की दाल डाली है। मसूर की दाल की बात करूँ तो वो नेचुरल ब्लीचिंग का काम करती है, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका मसूर की दाल का उपटन भी बनाया था स्पेशली ब्राइडल के लिए। तो आप समझ गए मसूर की दाल कितनी अच्छी होती है। इसमें मैंने जैसे बेसन डाला, तो बेसन के बारे में तो आप सब जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है बेसन का। चावल का आटा एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। कोरियन ब्यूटी में तो इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है। रोज़ पेटल आपके फेस को फ्रेशनेस ला करके देता है, पिंकिश ग्लो देता है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें पड़ी हैं और आप समझ गए अगर आप इसे अपने फुल बॉडी पे लगाओगे तो आपका इसका इफेक्ट कितना अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी अपना इस पैक को लगा करके छोड़ देना है जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा फेस मास्क था वो ऑलमोस्ट लग गया है। बस हम इसे इस तरीके से लगा करके छोड़ देंगे। जी तो आपको इसे लगा करके छोड़ देना है सूखने के लिए। तो दोस्तों मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं लाइव। जी हाँ, मैंने आपके सामने लगाया, अभी मैंने इसे अपने हाथों को टॉवल से पैट ड्राई भी नहीं किया, मैंने सोचा आपको अभी दिखाऊं इसका रिजल्ट कैसा आया है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो हाथों का रंग कितना ज़्यादा निखरा लग रहा है। मैंने इस हाथ में नहीं लगाया और इस हाथ में लगाया, आप साफ साफ देख सकते हैं इस हाथों का रंग जो है कितना ज़्यादा साफ लग रहा है और इधर का हाथों का रंग कितना ज़्यादा डल लग रहा है। जी हाँ, तो इसमें मैंने जितनी सारी चीज़ें डाली जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं और आप इसे नेचुरल था
जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो तो आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और जैसे मेरी जो ब्राइड्स है, अगर उनकी शादियाँ होने वाली है तो आप इसे अभी से लगाना स्टार्ट कर दें, और आप शादी वाले दिन देखिए आपकी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आया। मैं तो इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, मैंने इसे बना कर स्टोर भी कर लिया है। और आप भी जो है, अगर आपको शादी नहीं होने वाली तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अलावा कोई सा मॉइस्चराइज़र लगा ले, फिलहाल मैं भी इस मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो बस इस तरीके से आपकी बढ़िया घर पर ही बॉडी पॉलिशिंग तैयार हो जाएगी। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।